आ गए तुम लोग, आजा बेटा बैठ। क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, तुम सब चुप क्यों हो? वो भाभी माम, वो डॉक्टर कह रही थी कि अभी बच्चा उल्टा है और अगर ऐसे ही रहा ना तो बहू का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हे भगवान, ऑपरेशन? हाँ भाभी माँ, कितनी आसानी से कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। आजकल के डॉक्टर ना बस इसी तरह जज के कराना जानते हैं। सच? जिस लड़की का देखो ऑपरेशन ही सुनते हैं। हमारे समय में कभी ऐसा सुना था? पैसा कमाना तो धंधा हो गया अब डॉक्टरों का। अंशु के बाबूजी कह रहे थे कि हम सब उसके साथ प्रतियोगिता में ना जाएं, नहीं तो उस पे जीतने का दबाव बढ़ जाएगा। लेकिन अंशु के लिए तो ये पहली प्रतियोगिता है, अगर हम सब साथ में ना रहे तो वो अकेला पड़ जाएगा। हम सबको साथ में जाना चाहिए ना? हाँ छोटी, अंशु का हौसला बढ़ाने के लिए तो जरूर जाना चाहिए। बड़ी माँ, ताऊ जी का फोन था, मुझे ऑल द बेस्ट कहने के लिए फोन किया था। तो ये क्या, तो फिर से पॉकेट बॉय बन के आ गया? ये स्पाइस स्पाइस क्या है ये? दादू सारे बाल खराब कर दिए। अरे जा तू शेफ बन के अपना। और भाई सब लोग इससे ऑटोग्राफ ले लो, कल को बड़ा शेफ बन जाएगा तो टाइम नहीं होगा ना साहब के पास। बड़ी माँ देखिए ना, एक तो मैं इतनी ज्यादा टेंशन में हूँ और दादू मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो भी ना क्यों करता है ऐसा? अच्छा चल छोड़ो से, बहुत अच्छे से बनाना। पता है खाना अगर मन लगा के पकाया जाए तो उसमें स्वाद अपने आप ही आ जाता है। नहीं लेकिन आज बाबूजी होते तो अच्छा होता, मुझे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती। तेरे बाबूजी सुबह सुबह तेरा माता चूम के तुझे शुभकामनाएं देके गए हैं। बस आप अच्छे से रहो और मुझे कुछ नहीं सोचना है। पता नहीं क्यों आज आपकी मामा को डर सा लग रहा है। हेलो नैतिक, कैसे हैं आप? काम कैसा चल रहा है? और कारीगरों को डिजाइन देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? समझ में आ गए ना? वो मैं भी बैठे बैठे यही सोच रही थी कि सबसे पहले ना आपको नेकलेस का डिजाइन बनने दीजिए, उसे बनने में टाइम लगेगा। अरे एक मिनट अक्षय, मेरा काम ठीक चल रहा है लेकिन आप परेशान लग रही हैं। मैं परेशान नहीं, कहाँ हूँ? आप अपनी बातों से छिपाने की कोशिश कर रही, मुझे नहीं बताएंगी? अक्षरा मुझसे नहीं कहेंगी क्या? बस वो नैतिक, आज की बातें सुनकर ना बहुत बेचैनी से हो रही है। कुछ भी हो जाए बस हमारा बच्चा ठीक रहे। बताइए ऑपरेशन करेंगे? बच्चे बिना आंख बंद करके डॉक्टर की बात मान लेते हैं। मुन्ना हमें समझा रहा है। मुझे बहू की डॉक्टर पहले ही ठीक नहीं लगी थी, अब देखा आपने, वही हुआ जिसका डर था। मुझे तो भरोसा नहीं है इस डॉक्टर पे। मुन्ना को भी समझना चाहिए, हम ये सब बहू की भलाई के लिए ही कह रहे हैं, ऑपरेशन उसके लिए अच्छा नहीं है। आप ठीक कह रही हैं भाभी माँ, मैं बहू से बात करूंगी और मुन्ना जब लौटेगा ना तो उसे भी समझाऊंगी। वैसे वो भी अपनी जगह सही है ना, कि मुझे और नैतिक को लगता है कि डॉक्टर की बातों को डाउट नहीं करना चाहिए, वो जो कह रही है ना वही अच्छा होगा। मुझे तो अभी से घबराहट होने लग गई है। मैं समझ सकती हूँ, जैसे जैसे डिलीवरी की डेट पास आती है ना तो हमें छोटी छोटी बात भी परेशान करने लगती है। इस समय तो मुझे बस तेरा ही ख्याल आता था कि तूने आने आने के टाइम कैसे अपना टाइम गुजारा होगा। वैसे वर्षा, उस टाइम तुझे भी तो सबने यही कहा होगा ना कि ये करो वो मत करो, ये सही है वो नहीं है, कोई कुछ कहता होगा तो कोई कुछ। वैसे अक्षरा जहाँ तक बच्चे की पोजीशन की बात है ना, तो अगर डॉक्टर तुझे ऑपरेशन के लिए भी कहती है ना तो तू घबराना मत। पता है माँ और काके का टाइम अलग था, तब ये सब ऑपरेशन की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। और फिर आजकल डॉक्टर रिस्क क्यों ले जब सब कुछ इतना आसान हो गया है? तुझे भी सिजेरियन करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल तो ये सब बहुत नॉर्मल है, कितनी लेडीज करवाती हैं। और अगर डॉक्टर कोठारी कहे ना तो तू करवा लेना।